What's up guys, it's a new day here in Gaza and today is going to be an action-packed sightseeing day here. We're going to visit the highest village, highest post office in the world. And it's quite sunny. I'll suggest you whenever you come to Gaza, do apply lots of sunscreen. The weather is quite pleasant, it's good, it's a little windy but it's at the same time it's very sunny. We're going to start with the breakfast and then we're going to head out. And we're gonna see some. Where are we going first? It's Langsa. It's a beautiful place. So we'll catch you there. So finally, I'm trying egg paratha. I was craving since for this paratha since yesterday, and it is. Acha, bas yesterday. I thought 5 years. No, yesterday. You're not eating it. And this is too good. Though the egg in it is very nice, you can see. Fine, काम चला लेंगे हम लोग इससे. चलो, craving खत्म हो गई ना? हाँ, खत्म हो गई. ये क्या है? Egg toast. और ये bread omelet. नहीं नहीं, same वही है. हाँ हाँ. ये egg कम है, cream पता नहीं उसने क्या डाला वो? नहीं नहीं वो egg को ना बस ऐसे spoon से लेके spread कर दिया. मुझे ये तो है ही नहीं flavour. Hi. Hello. Hi. Cheers. Good morning. So the very first place that we'll explore today is Langsa, a very small village within the mighty Himalayan range. It's also known as the fossil village क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे हजारों साल पहले समुंदर हुआ करता था which was taken over by the Himalayas now. And यहाँ पे commonly आपको sea animals के fossils and all मिल जाएंगे. So it's a very interesting place with an enormous large statue of Buddha. इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई. तेरे होठों पे है हुस्न की बिजली, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदली. तेरे वालों की खुशबू से महकी चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन. मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी. छेड़ लो तुम बात को प्यार की रागिनी. So guys, we are at Langsa. And behind me is the Buddha statue, the famous one, one of the most iconic places. So if you have Instagram on karoge, so you'll find these lot of pictures. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है. यहाँ आने से पहले यू कैन हैव अ टैबलेट ऑफ डायमॉक्स. ऑल्सो कैरी अ लिप बाम, कैरी अ सनस्क्रीन लोशन बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी सनी. एंड ड्रिंक वाटर एवरी 15-20 मिनट्स, इट कीप यू हाइड्रेटेड. कम है, एंजॉय दिस प्लेस. और इसके बाद जैसे आपको बताया, कॉमिक जाने वाले हैं एंड हिकिम जाने वाले हैं. सो आई विल सी यू देयर गाइस. खुशी के पल
कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है और चारों तरफ आप देखेंगे तो डस्टी एंड रॉकी माउंटेन्स और इस जगह को ठंडा रेगिस्तान कहना गलत नहीं होगा। सो फाइनली द मोनास्ट्री इज ओपन्ड। मैम ने हमारे लिए मोनास्ट्री खुलवा दी है। इट्स सो पीसफुल हियर। नहीं से उठा के ना मान ली उठा ली इसके बदले आप पैसे भी रख सकते हैं मेरे यहाँ खाई कुछ भी बहुत बड़ा चीज है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मंजू से अच्छा या वो लोग से इसका जाप हिंदी में लिखा है ना अच्छा जो ओम ओम मणि पे में इनका जाप ना अच्छा ये पूजा के लिए ना पूजा के लिए ना ये पूजा के लिए हाँ जी यदि बड़े गुरु जी आते तो हम ऐसे लेके जाते हैं ना अपना अपना बना दो ना काचा और यहाँ पे वो क्या नाम है दलाई लामा जी आए हैं दलाई मुझे पहले 2015 पे आया अच्छा फिर काचा में 2009 में आया वो तो उद्घाटन धरा में किए ना तो आजकल नहीं आते यहाँ पर वर्ल्ड का छत ऊँचा है ना शाम का पूर्ण होते हैं ना गुरु अच्छा अच्छा ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोनेस्ट्री है क्या? हाँ ये सब ऊंचा है सब वर्ल्ड का सब ऊंचा मंदिर है ना ये अच्छा यहाँ तो शाम का भी प्रॉब्लम होते हैं ना गुरु जी को फिर हमारे गुरु जी भी आया तीन ब्रांच है ना ये तो गाइस ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोनेस्ट्री है बहुत शांति है यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कलर्स बहुत अच्छी तरह इन्होंने सारा मेनटेन करके रखा है एंड या वर्ल्ड की हाईएस्ट मोनेस्ट्री और बहुत पीसफुल लगता है यहाँ पे सो वंस यू विजिट स्पीति दिस इज अ मस्ट विजिट ये तो मसाला टाइप है ना इसको क्या हुआ मिन्स क्या हुआ हाँ इसको सुखा के फिर हाथ में दिखाओ सर इसको खा के देखो ना
तीखा होता है क्या? तो ये सी बक्त होना है, लोकल बेरी, खट्टा मीठा सा है। तो ये कर देना सी बकथॉर्न टी और एक मैगी। मैगी ठीक है। So guys, we are at highest restaurant in the world और मैं मैगी ट्राई कर रहा हूँ। पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो अधूरा अधूरा लगता है। इम्तियाज अली, यह तो बहुत टेस्टी, थोड़ी सी मिर्ची डाली है इन्होंने और ये गरम मज़ा। This is a sea buckthorn tea जो मैंने आपको पहले दिखाया था। What exactly is sea buckthorn? गरम मज़ा बट यार ये अलग ही एक्सपीरियंस है। इमेजिन 15,000 की हाइट पे एंड हैविंग दिस मैगी एंड दिस अनयूजुअल टी व्हिच आई नेवर हैड बिफोर। देखो ये क्या है, दिस इज वेरी नाइस। भैया ये कब तक पहुंच जाते हैं पोस्टकार्ड्स? साल भर में साल भर में। सो गाइस, वी आर हियर एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस व्हिच इज हिकिम एंड वी आर सेंडिंग कार्ड्स, पोस्टकार्ड्स टू आवर लव्ड वंस। सी एंड अंकल, आप इसमें स्टैंप लगा के देते हो ना, ये कितने टाइम में जाएगा? ये जाएगा 10-15 दिन में पहुंच जाएगा। 10-15 दिन में पहुंच जाएगा सबको? हां जी। तो अभी तो आप साल भर कह रहे थे, ऐसे मजाक कर रहे थे। अच्छा, पक्का पहुंच जाएगा ना? पक्का। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं 1983 से। अच्छा, जब से पोस्ट ऑफिस खुला है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, वी आर एट हिकिम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट सम पोस्ट कार्ड्स और वो डिलीवर हो जाएंगे विद इन अ मंथ और सो। आज यार दिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोनास्ट्री, इवन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉशरूम एंड नाउ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और गाइस बहुत सनी है यार, व्हेन एवर कम दिस साइड ना सनस्क्रीन जरूर लाना भूलना, दो बार लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पहले कुछ पोस्ट कार्ड इसके अंदर डाल दिए, एट दैट टाइम आई वाज नॉट ब्लॉगिंग। मैं एक और डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा। यू सी बाय द वे स्टैंपिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज डन। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਤ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵਫਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾ ਤੇਰੇ। हम लोग स्पेशली यहाँ खाने आए थे मोमोज एंड ऑल, ऑथेंटिक फूड, बट ये शट, सो वी हैव टू लुक फॉर अ ऑल्टरनेट ऑप्शन नाउ। खुला है बंद है? She's trying if it's open or not. It's open. Khola na. Khola na.